टिशू कल्चर, टिशू कल्चर क्या होता है? इट इज एडवांस मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांस मेथड टिशू कल्चर, इन विच सम सेल या टिशू आर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट विच आर देन यूज टू राइज अ न्यू प्लांट। हम प्लांट के सेल लेते हैं या टिश्यू लेते हैं और उस सेल या टिश्यू से हम एक पूरी की पूरी प्लांट का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। ओके, इन दिस मेथड अ सुटेबल टिश्यू या सेल ऑफ अ प्लांट इज टेकन आउट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप। हम टिश्यू भी ऐसा ही जगह से लेते हैं जहाँ मतलब क्या हो, पूरी तरह से मैच्योर्ड ना हो, टिश्यू भी मैच्योर ना हो, ठीक है, ग्रोइंग एरिया से, कहाँ से, जहाँ जिस एरिया पे भी ग्रोथ हो रहा हो, ठीक, ग्रोइंग टिप, सूट या रूट टिप, सूट टिप से या रूट टिप से, क्यों, क्योंकि देखिए ये होता है सूट टिप, ये ग्रोइंग एरिया होता है, इसके नीचे क्या होने लगता है, मैच्योर्ड एरिया, वही होता है रूट के साथ भी, ये ग्रोइंग एरिया होता है, उसके बाद पीछे क्या होने लगता है, ये मैच्योर्ड एरिया होता है। तो यहाँ से हम टिशू या सेल या टिशू को नहीं लेते हैं, हम यहाँ ग्रोइंग एरिया से टिशू या सेल को लेते हैं, ठीक है। ऑफ द मेन प्लांट इट इज कॉल्ड एक्स प्लांट, इसी को कहते हैं हम एक्स प्लांट। इट इज नाउ ग्रो ऑन ए आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम, और इसे फिर हम लिया टिशू या टिशू को या सेल को निकाल कर हम किस मीडियम में रखते हैं, न्यूट्रिएंट, जहाँ पर न्यूट्रिएंट हो वहाँ पे, ठीक है। द वॉल इन द मीडियम मल्टीप्लाई वेरी रिपेडली बाय माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस बिग मास ऑफ सेल, और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में एक सेल क्या करती है, खूब तेजी के साथ डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बनाती है, जिसे हम कहते हैं दिस सेल मास इज कॉल्ड कैलस, और जिसे हम कहते हैं कैलस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। होता क्या है, टिशू कल्चर, क्या है, टिशू कल्चर, टिशू कल्चर में क्या करते हैं, एक प्लांट को लेते हैं, प्लांट के में हम सेल या टिशू को लेते हैं, सेल को लेते हैं या टिशू को लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या मैच्योर्ड एरिया से, नहीं, ग्रोइंग एरिया से, ग्रोइंग एरिया ऑफ सूट टिप या ग्रोइंग एरिया ऑफ रूट टिप, ये रूट टिप है, ये सूट टिप, यहाँ से हमने एक सेल को लिया या यहाँ से हमने एक सेल को ले लिया, ठीक। अब ये सेल को हम किस जगह पे लेंगे, जहाँ पर न्यूट्रिएंट क्या हो, रिच हो, रिच न्यूट्रिएंट हो, ठीक। अब ये सेल क्या करता है, डिवाइड करने लगता है खूब तेजी के साथ, रिपेडली डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद ये बनाता है मास ऑफ सेल, इस मास ऑफ सेल को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस, ठीक है। और फिर ये कैलस जो होता है, ये मास ऑफ सेल ये बनाता है, फिर से ग्रो करने लगते हैं और फिर रूट बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं, फिर एक नए ट्री प्लांट का क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन विच प्रमोट फर्दर सेल डिवीजन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्मॉल सीडलिंग या प्लांटलेट। हम जब उस रिच न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या डालते हैं, जिसके कारण वो सेल जो होता है वह सीडलिंग में या प्लांटलेट में बदल जाता है, तो उसमें हम डालते हैं साइटोकाइनिन, जो कि प्रमोट कर देता है, विच प्रमोट फर्दर सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में मदद करता है, खूब तेजी के साथ डिवीजन होने लगते हैं, फिर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट करने लगता है, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्मॉल सीडलिंग या प्लांटलेट्स आने लगते हैं, ठीक। द
द सीडलिंग कैन बी सून टू राइज द न्यू प्लांट, और सीडलिंग क्या होता है, जल्दी ही एक नए प्लांट में बदल जाते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड मेनली फॉर ornamental plant. The main advantage of this method is that plant can be grown in a completely disease-free environment. Moreover, in a small time, large number of seedling plantlet can be produced. इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं, फ्री मतलब डिजीज फ्री इन्वायरमेंट में प्लांट का ग्रोथ कराते हैं, ठीक है, और एक स्मॉल टाइम में, कम समय में हम बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करते हैं, प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। इस टेक्निक का यूज करके हम बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टिशू कल्चर, टिशू कल्चर पूरा, ठीक, हम क्या करते हैं, टिशू सैंपल लेते हैं, एक्स प्लांट जिसे कहते हैं हम, फ्रॉम पेरेंट प्लांट से। टिशू को लेने के बाद सेल आर प्लेस्ड ऑन अगार मीडियम विद न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक, ग्रोथ प्रोमोटर के में हम क्या करते हैं, सेल को रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे टीनी प्लांटलेट आर डेवलप, छोटे छोटे प्लांटलेट क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट क्या होने लगे, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट क्या होने लगते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। प्लांटलेट आर शिफ्टेड इनटू कंपोस्ट बॉक्स, और प्लांटलेट को हम कहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, कंपोस्ट बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसी प्लांटलेट को क्या करते हैं, फील्ड में ले जाकर क्या कर देते हैं, डीप कर देते हैं सॉइल के अंदर क्या करते हैं, डीप कर देते हैं सम न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर के साथ, और फिर यही प्लांट हमें क्या होता है, एक न्यू प्लांट में बदल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखकर कई ऐसे प्लांट हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक, और उनकी जो जनसंख्या बहुत ही कम हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लांट के एक टिशू से लेते हैं और उससे कई सारे मेनी प्लांट को डेवलप करते हैं, मेनी प्लांट का डेवलप करते हैं। इस टेक्निक का यूज ऐसे ही होता है, ठीक, एक प्लांट से हम कई सारे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं वो बहुत ही जल्दी, ठीक है।